देखिए साथ में दो बच्चों को लेके और ये पहुंचे हुए हैं। अभी हम देखते हैं कैसे फोटो वगैरह। देखिए गाइस आज हम पहुंचे हैं कहाँ पे, बरगी डैम, जो कि यहाँ पे अभी खुले हैं। गाइस अभी सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, भैया स्कूल चला गया है और मैं भी मंजन कर रहा भैया को देख के। कैसे करते मंजन? दत्तू है आपके? दत्तू है? ई करो, ई करो। अरे दत्तू नहीं है, बोखली है अभी तो, बोखली। जाओ कुर्सी में बैठ के कर लो, कुर्सी में बैठ जाओ, जाओ कुर्सी में बैठ के कर लो आराम से। जाओ आपकी कुर्सी कहाँ है? उसमें बैठ के कर लो, बैठ जाओ उसी में। बैठने का स्टाइल देख रहे हो आप लोग? बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए हमारा ये मॉर्निंग का समय है और मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी क्या है, देव स्कूल से, मैं देव को स्कूल से छोड़ के आई हूँ और मेरे हस्बैंड कर रहे थे एक्सरसाइज। और देखिए यहाँ पे बढ़िया शिप को भी ना, जो हम करते ना कहते हैं बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो सॉरी, देखिए अभी ना शिव ने पूरा ऑयल गिरा दिया, अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो उसको संभालने लगी थी। और यहाँ पे देखिए मैं उसको सिखा रही थी कि बाबू ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं। तो आज क्या है कि आज मैं ना ऑलरेडी लेट हो गई थी, बहुत ज्यादा लेट हुई थी। कभी कभी बताया ना बहुत देर में सोती हूँ, तो पहले देव को लंच वंच बनाया उसके बाद ब्रश किया था। देखिए मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बस इसी बीच अपना जो ब्लॉग एक अपलोड किया उसमें ना, वो देखो मेरी बिन्नी शिव ने निकाली और बेचारा सो गया है ना। तो उसकी जो एक्टिविटीज मैं आप लोगों से बताती हूँ, तो आप लोग ने तो देखा ही होगा पिछले एक सालों से आप लोग जुड़े हैं, वो एक साल का हो क्या है फिर भी शिव को लेके इतना गलत कि वो पता नहीं ऐसा है वैसा है, उसकी आवाज़ डरावनी है, पता नहीं आप लोग को कहाँ से लगती है। वो सारे लोगों को नहीं, सिर्फ एक लोगों को, पता नहीं उनको कहाँ से लगती है, शायद वो नहीं जुड़ी होंगी। अगर उनकी ही लैंग्वेज में मैं उनसे बात करूंगी कि आपका भी बच्चा वैसा होगा ये वो कुछ भी, तो उनके और मेरे में फ़र्क नहीं रहेगा। उसमें प्यार से उनको यही समझाऊंगी, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे मैं उनको पाल रही हूँ, पोस रही हूँ, है ना। और अगर आपको लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी सोच, आपकी आंखों, आपकी दिमाग में ये सब होगा, बाकी मैं आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। और मुझे बहुत गंदा लगता है बार बार यही चीज़ कि अरे ये ऐसा है वैसा है, इसको कैसे कर रही हो, कैसे नहीं पाल रही हो। एक बात बताओ, इतने बड़े हॉस्पिटल से जब मेरी डिलीवरी हुई तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, आटा सान रही है, अन्नपूर्णा होती है, ये कर रही हूँ, आज तक मेरे बच्चे को कभी किसी ने नहीं बोला। सब ने यही कहा कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये उसका मस्तक है जो वो चौड़ा है, मतलब ऊंचा है मस्तक, ऊंचे मस्तक वाले भाग्यशाली होते हैं। वो जब हुआ था ना तो मतलब शिवरात्रि थी, जो महीने की शिवरात्रि होती है, इसलिए हमने उसका नाम शिव रखा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने फेस की। और एक मैं आप लोग को और बात बता दूं कि किडनी डोनेट करने के बाद बच्चे को मैंने जन्म दिया, कहीं ना कहीं शिव भगवान का ही आशीर्वाद होगा। हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। देखिए आप लोग कहते हैं आती बच्चे तो 10-12 पैदा कर सकते हैं, अगर आपका ये मानना सही है कि 10-12 बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो पेरेंट्स बिना बच्चे के हैं, जो बच्चे के लिए बहुत तरस रहे, फिर भगवान उनको क्यों नहीं देते हैं? ऐसा नहीं, हमारे हाथ में भी है, पर कहीं ना कहीं भगवान की भी होता है। हाँ, इनको क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो पेरेंट्स बच्चे के लिए तरसते भगवान उनको नहीं देता, कि कहीं ना कुछ इसमें सोच होगी। मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, है ना, इसीलिए आप अब मुझे मत बोलिएगा, वरना अभी तो मैं अच्छे से आपको समझा रही हूँ, फिर मेरा पारा बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अपने आप को करती हूँ बिजी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। चलिए बाय। अच्छा तो यहाँ पे मैं ना, मतलब कि मैंने आप लोग सुना ना, कभी कभी क्या है लेट हो जाती हूँ मैं देव की स्कूल के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी ना,
उसको ना कम से कम हफ्ते में 5-6 दिन पराठे और जैम, पराठे जैम। अब आप लोग बोलेंगे आरती सब आप ये लंच ही क्यों रखते, क्योंकि ना मैं बता दूं, एक तो उसको चीज कुछ चीजें और पसंद नहीं है, पूरी पूरी ज्यादा रख नहीं सकती हूँ, और कभी कभार भजिया रख देती हूँ, बाकी मैं अगर मैं कुछ भी चीज सोचती जैसे फल फूल रहते हैं तो कभी कभार वो रख देती हूँ, पर वो कहता है मम्मी मेरे को फल फूल ना अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर मैं सोची चलो स्नैक टाइप में ये रख दूंगी। और मुझे चीजें समझ में नहीं आती, वो उपमा हलवा वगैरह खाता नहीं है, और पोहा उसकी टीचर ने मना किया है, क्योंकि ना छोटे बच्चे हैं जो बिखेर देते हैं पोहा वगैरह, तो ऐसे चीजें मना की हैं। तो अब मुझे लंच में समझ में नहीं आता है कि मैं क्या रखूं क्या नहीं रखूं। और जैसे कि होता है ना कि अवन हो तो कभी ढोकला रख दो, कभी ये रख दो, कभी वो रख दो, कभी केक रख दो, कभी पिज्जा रख दो, बट हाँ वो सब उनके लिए जिनके पास अवन वगैरह है, बट कोई नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत कुछ चीजों को सर्वाइव करना पड़ता है हर चीजों को लेकर। तो यहाँ पे बस देखिए मैं ना इसको तेल गरम किया, जो बना रही हूँ ना उसको मैं आटे से बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैदा तो वैसे भी हम नहीं खा सकते, चाहे हस्बैंड हो चाहे मैं हूँ, पर ये है कि हस्बैंड कभी कभार खा सकते हो और मैं भी इसको, तो ये हाइजेनिक नहीं होगा। तो इसको मैंने ना थोड़ा सा ऑयल वगैरह मिलाया है, और प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाता है मुझसे, क्योंकि एक कैमरा मैन होना ही होना। अच्छा कभी कभार मेरे ब्लॉग में कई लोग पूछते आते हैं आपका वीडियो कौन शूट करता है, तो मैं खुद ही शूट करती हूँ ट्राईपॉड से, प्लस एडिट भी मैं खुद ही करती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ, मेरे पास ना कोई कैमरा मैन है कोई ना ही एडिटर है, पर ठीक है कोई नहीं। और यहाँ पे फिर मैंने मेरे से ना ये जो मैंने पहली बार पपड़ी की ना वो मेरे से बिगड़ गई थी, बट हाँ दूसरी बार जो सलोनी टाइप की कट की आकार में वो अच्छी खासी बन गई थी। कट कर ली है मैंने, अब इसको हम डाल देते हैं, तेज है बिल्कुल भी है। देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, बाद में ना फिर पपड़ी अच्छी खासी देखिए क्रिस्पी हो गई थी, और ये आटा की है तो ये ना थोड़ी सी सलोनी वो हो गई, और ये इसलिए ऐसी दिख रही क्योंकि ये आटे की है ना, तो ठीक है अच्छी खासी बनी है। आपको कैसी लगी? अच्छी है, टेस्टी ही कह रहा हूँ, सच में टेस्टी है बहुत ज़्यादा। मैंने इस पर ना ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, पर ठीक है आटे की है तो ऐसी ही बन सकती थी, और सच में टेस्टी है। तो अभी मैं मतलब मैंने इनसे पूछा कि आपको आप चल रहे हो हमारे साथ, मतलब कि देखिए अब जो जैसी लाइफ है हमें भाई उसी में खुश रहना है, और बता दूं जिंदगी कभी हंसाती है कभी रुलाती है, पर इसमें क्या है बच्चे भी मेरे बहुत सारे कुछ चीजें हैं जो झेल रहे हैं, चाहे वो मेंटली कुछ चीजें हर चीज को लेके। तो मैं उसकी टीचर्स ने जब मुझसे बोला, मतलब कल सुबह बोला कि आप अपने बच्चे को कहीं ले जाया करो, अभी हरियाली है ये वो है, मतलब ऐसे घुमा फिरा के बोला, तो मैंने कहा ये तो सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हम तो साथ में परेशान हैं, साथ में बच्चे भी हो रहे हैं, उनका भी ना दिमाग का जो है कि वो विकास होना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा चलो आज इनको घुमा के लाते, तो हमारे यहाँ पे ना एक डैम है, बहुत बड़ा डैम है, आप लोग को भी घुमाएंगे अगर ब्लॉग ज्यादा बन पाए तो। मैंने इनसे बोला पर ये नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए डॉक्टर ने इनको कहीं भी जाने से मना किया है, ऐसी बहुत सारी जगह जहां भीड़ हो। देखिए गाइस आज हम पहुंचे हैं कहां पे, बरगी डैम, जो कि यहां पे अभी खुले हैं 2, 4, 6, 7 गेट, तो यहां पे बस अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों से बाहर नहीं जाओ, इधर कितना प्यारा लग रहा है ना, हम फोटो क्लिक करेंगे। देखिए साथ में दो बच्चों को लेके और ये पहुंचे हुए हैं, अभी हम देखते हैं कैसे फोटो वगैरह शूट कर पाते हैं। देख बिना छोड़े आप कहीं नहीं जाना है, और यहाँ पे हम पहली बार आए हैं, मतलब ऐसे घूमने आए हैं पर गेट खुलने में हम पहली बार आए हैं। वो देखिए कहीं नहीं जाना, आओ चले, सुकून मिल रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, दूर है इसलिए थोड़ा सा लेट होगा। सकुन मिला।
तो देव मुझसे बार बार बोला था मम्मी हम कहाँ आ गए क्या है, तो मैंने उसको बताया और शिव को बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने इनसे बोला एक भैया से, भैया हमारा वीडियो थोड़ा सा बना दीजिएगा, तो फिर वो भैया वीडियो हमारा बना रहे थे। मैंने उनसे शॉर्ट वीडियो बोला था बट उन्होंने ऐसे बना दिया, बट कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे फोटो वीडियो बहुत सारे लोग बना रहे थे, मैंने भी सोचा था कि इंस्टा रील्स वगैरह बनाऊंगी पर नहीं हो पाता है, साथ में बच्चों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और यहाँ पे ना ये है कि देव समझदार है तो वो खुद से चल लेता है, खुद जो कर देता है। और अभी ये अभी देखिए ये पूरे गेट खुलते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है। जो हमारे जबलपुर से होंगे वो कमेंट करके बताना कि सीन कहाँ का है, आप लोग गए कि नहीं गए, हम तो भाई होकर आ गए। और आप लोग क्या ऐसे डैम में गेट खुलते हैं कि नहीं खुलते, आप लोग कहाँ कहाँ से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ से इंडिया के बाहर, वो भी आज कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से ये जो है नर्मदा नदी को देख रहे हैं। अच्छा तो मैं यूं आप लोग को ये भी बता दूं कि यहाँ पे ना बहुत सारी भीड़ थी ये देखिए, और सार्वजनिक पब्लिक में अभी हस्बैंड का आना जाना सब जगह जो है कि मना है, पर इन्होंने कहा कि आरती मैं ठीक हूँ तुम लोग आ जाना। तो हम करीब 1-2 घंटे में आ गए थे। और देखिए होता क्या है कि एक एक हाथ से शिप को पकड़ना होता है जैसे ऑटो वगैरह में जाते हैं, एक हाथ से देव को पकड़ना होता है। अब बताइए कि ब्लॉक किस हाथ से बनाऊं। सो यहाँ पे जितना भी है जो भी है वो मेरा बन गया। अब चलते चलिए चलते हैं, हम घर जाके आप लोगों से मिलते हैं। हमने बहुत सारी फोटो क्लिक की, कुछ इंस्टा रील बनाई कुछ ऐसे, और हम पास में जाने बहुत डर लग रहा था, हम पास में नहीं जा रहे हैं, बस ये बच्चों को दूर दूर में लिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वीडियो जाके हस्बैंड को भी दिखाएंगे, हम सोचे थोड़ा बहुत आप लोग को भी दिखा दें आप लोग के वहाँ पे ऐसा डैम है कि नहीं, आप लोग के यहाँ गेट खोले जाते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ से मुश्किल से 12 से 14 किलोमीटर दूर है जो कि यहाँ पे आए हैं। हम आधा एक घंटे रहेंगे, उसके बाद हम जाएंगे घर। तो चलिए देखते हैं, जितना आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे उतना हम दिखा पाएंगे। तो बच्चों के मतलब उनकी मुस्कुराहट से देख के लग रहा था कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए शिव को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं आप लोग को ये बता दूं, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और यहाँ पे ना मतलब बहुत सारे वो बेरी भुट्टे पता नहीं क्या क्या लगे हुए थे, तो वो माए लोग बोल रही थी बेटा ले लो ले लो। तो फिर हमने यहाँ पे देखिए बेरी ली थी और चने भी थे, तो ये 10 रुपए का एक था। और यहाँ पे खाओ इसका आनंद ही कुछ अलग होता है ना, ऐसे तो ठीक है बट यहाँ पे रहो तो इसका कुछ आनंद ही अलग होता है। तो हमने ये लिया और बाकी कुछ और नहीं मिल रहा था यहाँ पे। और आप लोग को बताना आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चल मैं पहली बार आई हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने आप लोगों से बोला ना आप कहाँ कहाँ से हमारा व्लॉग देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी अपना प्लीज बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ तो बारिश गजब की बारिश है, क्योंकि देखिए हमारे नर्मदा नदी भी पास में है प्लस ये डैम वगैरह भी पास में है ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए थोड़ा सा हमें क्या है कि हमारे यहाँ रेड अलर्ट है। और अभी क्या है बारिश अभी तो नहीं हो रही थी पर कोई भरोसा नहीं, बारिश हो भी सकती है। तो हमने कहा